इंटरनेट सेंसेशन से अब बॉलीवुड का सितारा बन चुकी रानू मंडल की जिंदगी पर कई खुलासे हो रहे हैं। रानू की जिंदगी को लेकर तमाम तरह की खबरें सुनने में आ रही हैं और अब इन सबके बीच हम आपको बॉलीवुड एक्टर फिरोज खान के साथ रानू के कनेक्शन से रूबरू करवाएंगे। बता दें आपको, बीते दिनों ये खुलासा हुआ कि रानू मंडल फिरोज खान के घर पर काम करती थी। रानू मंडल फिरोज खान के घर पर बर्तन धोया करती थी, लेकिन अब रानू की जिंदगी से जुड़ा सच सामने आ गया है। फिरोज खान के घर पर क्या करती थी रानू, ये सामने आ गया है। फिरोज खान के घर पर रानू मंडल कैसी जिंदगी जीती थी, वो सामने आ गया है। बता दे आपको, एक इंटरव्यू में खुद रानू मंडल ने बताया कि फिल्म एक्टर फिरोज खान के घर पर वो रही हैं, लेकिन वो उस घर में इसलिए रही हैं क्योंकि उनके पति फिरोज के घर पर खाना बनाते थे। यानी रानू मंडल ने फिरोज खान के घर पर ना तो बर्तन धोए हैं और ना खाना बनाया है, क्योंकि फिरोज खान के घर पर काम रानू नहीं बल्कि रानू के पति किया करते थे। बता दे आपको, रानू ने कहा कि वो काम में हाथ जरूर बटाया करती थी, लेकिन वो उनके घर में नौकरी नहीं कर रही थी। फिरोज खान रानू मंडल की आवाज सुनते, रानू मंडल की गायकी की तारीफ किया करते थे। फिरोज खान के राज खोलती हुई रानू मंडल बताती हैं कि वो बड़े ही नेक दिल इंसान थे, दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते थे। मुंबई में रहने के दौरान फिरोज ने रानू और उनके पति की काफी मदद की। इतना ही नहीं बल्कि रानू मंडल बताती हैं कि फिरोज खान के बच्चे भी काफी ज्यादा प्यार इन्हें देते थे। यानी फरदीन खान ने भी रानू मंडल का और रानू मंडल के पति का काफी सम्मान किया है। रानू ने फिरोज खान को लेकर यह भी बताया कि मेरी हिंदी काफी खराब थी क्योंकि मैं बंगाली परिवार से ताल्लुक रखती थी, ऐसे में मेरी भाषा सुधारने में फिरोज खान ने काफी मदद की। फिरोज खान ही वजह है जो आज वो हिंदी में गाने काफी ज्यादा बेहतरीन तरीके से गा सकती हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।